केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हर क्षेत्र में तेजी से कर रहा है प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है प्रतिष्ठा। प्रदेश की 10,000 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत को दिया जाएगा नगर पंचायत का दर्जा, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। बस्तर संभाग से 6 माओवादी गिरफ्तार, कबीरधाम जिले में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को मार गिराया। और खैरागढ़ के इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया अफ्रीका महोत्सव। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार आ रहा है। हर क्षेत्र में भारत तेजी के साथ प्रगति कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है और विश्व का इकलौता देश, अकेला देश भारत है जिसकी विश्व के सारे देशों से तेजी के साथ अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि किसी कंट्री की दुनिया में है तो भारत की है। वहीं इंदौर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार की योजनाओं से सभी क्षेत्रों में ऐतिहासिक बदलाव आया है। 48 महीनों में जो एक छलांग हुई है देश में, आर्थिक व्यवस्था में, बुनियादी ढांचे में, मानसिक सोच में, और गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, शोषित और वंचित लोगों के जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, ये इस देश में पहले जो एक परिवार के 48 वर्ष का शासन रहा उसके निस्बत ये एक ऐतिहासिक बदलाव इस देश ने देखा है। अमृतसर में मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश ने पहली बार देखा है कि कितना बदलाव आया है। एक भ्रष्टाचार की सरकार और एक बिना भ्रष्टाचार की सरकार, ये देश ने पहली दफा देख लिया कि कितना बदलाव आ गया। और एक बदलाव हुआ, राजीव गांधी कहते थे और सही कहते थे कि मैं 100 रुपए भेजता हूं लेकिन 15 रुपए ही गरीब को मिलते हैं। अब बदल गया, मोदी जी 100 रुपए भेजते हैं और 100 के 100 रुपए गरीब को मिलते हैं। गौरतलब है कि मोदी सरकार के 4 वर्ष पूरा होने पर इन दिनों केंद्रीय मंत्री विभिन्न शहरों में पहुंचकर सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। प्रदेश की 10,000 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा, ये घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने की है। प्रदेश व्यापी विकास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री आज जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ स्थित कुटरा बोर्ड में आम सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने शिवरी नारायण तहसील और पामगढ़ को नगर पंचायत का दर्जा देने का ऐलान भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने करीब 124 करोड़ रूपए के 42 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विकास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री आज बिलासपुर जिले के मस्तूरी पहुंचे। यहां डॉक्टर सिंह ने बताया कि भारत नेट के जरिए राज्य की 10,000 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने के लिए 6,000 किलोमीटर लंबी केबल बिछाई जा रही है। विकास यात्रा के तहत मुख्यमंत्री कल मुंगेली भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने करीब 173 करोड़ रूपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन की अनुदान राशि देने की योजना को नए तरीके से लागू करने पर विचार किया जा रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग से सुरक्षा बलों ने 6 माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं कबीरधाम जिले के छुमा छापर के जंगल में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को मार गिराया है,
इस माओवादी के पास से एक राइफल, कारतूस और माओवादी साहित्य भी बरामद हुआ है। दुर्ग पुलिस महानिरीक्षक जीपी सिंह ने बताया कि माओवादी सहयोगियों को गिरफ्तार करने वाले जवानों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस पर्टिकुलर क्षेत्र को नक्सलाइट एक एक्सपेंशन जोन के तरीके से इसको डेवलप करना चाहते थे, इन्होंने विस्तार प्लेटून, इन्होंने अपना जो नाम दिया है विस्तार प्लेटून के रूप में इन्होंने अपने लोगों को यहाँ पे डाला था। हमारे जितने भी जवान हैं इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इनमें जो भी टीम के सदस्य हैं इनको उपयुक्त इनाम और सम्मान दोनों से नवाजा जाएगा। जो पार्टी में जिसने जिसने जैसा काम किया है कुछ लोगों को गैलेंट्री मेडल मिलेगा, कुछ को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलेगा, कुछ को कैश रिवार्ड मिलेगा। पुलिस ने इस मुठभेड़ में कई और माओवादियों के घायल होने का दावा भी किया है। इधर दंतेवाड़ा जिले से एक महिला सहित चार माओवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। माओवादियों के इन सहयोगियों पर हत्या, आगजनी और लूटपाट जैसे कई अन्य वारदातों में शामिल रहने का आरोप है। इसी तरह बीजापुर जिले से भी 1,00,000 रुपए का इनामी माओवादी गिरफ्तार किया गया है। इस माओवादी पर सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों पर आगजनी का आरोप है। वहीं कोंडागांव जिले में सुरक्षा बलों ने 3,00,000 रुपए के एक इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है। इस वारंटी माओवादी के खिलाफ पुलिस पार्टी पर हमला करने, मतपेटी लूटने और लोक सेवक का अपहरण जैसे मामले थाने में दर्ज हैं। इस बीच दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों के हमले में एक जवान घायल हो गया है। एडिशनल SP गोरखनाथ बघेल ने बताया कि अरनपुर जगरगुंडा मार्ग पर माओवादियों ने यह विस्फोट किया। घायल जवान का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कारवां तो चल पड़ा है। सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर डिजिटल मंडी तक, छोटे शहरों में BPO से लेकर ई स्कॉलरशिप्स तक, कारवां तो चल पड़ा है। हाथ बढ़ा के तू भी चल। हॉस्पिटल में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट से लेकर टेलीमेडिसिन तक, सबके पास है अब नई ताकत, सबके पास है अब नई ताकत। देश बन रहा है डिजिटल। अब सब कुछ बिल्कुल सामने होगा होगा, सब कुछ सरल। बिल पेमेंट से लेकर जीवन प्रमाण पत्र तक कॉमन सर्विस सेंटर से पाए सभी सुविधाएं। नए पेमेंट सिस्टम्स, सरल हुआ व्यापार। डिजिटल इंडिया, देश बन रहा है डिजिटल। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। भारत और सिंगापुर के बीच 8 समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीएन लुंग मौजूद थे। सिंगापुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत के लिए सिंगापुर FDI का बड़ा स्रोत है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास योजना और शहरी विकास के क्षेत्र में दोनों देश सहयोग बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। सिंगापुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुपे, भीम और UPI आधारित रेमिटेंस ऐप लॉन्च किया। इसके जरिए अब सिंगापुर में रह रहे भारतीय और पर्यटक मोबाइल भुगतान और अन्य लेनदेन आसानी से कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनकी शुरुआत डिजिटल इंडिया और सरकार की भागीदारी की नई भावना को दर्शाता है। चौथी तिमाही में भारत की विकास दर 7.7% हो गई है। निर्माण और उद्योग में बढ़त आई है। इस तरह भारत अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था बन गई है। चौथी तिमाही में जारी विकास दर के आंकड़ों में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। सरकार के अनुसार अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नोटबंदी और GST जैसे कड़े फैसलों के परिणाम अब नजर आने लगे हैं।
राज्य में नगरीय निकायों के उपचुनावों के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इन उपचुनावों के लिए 4 जून को निर्वाचन की सूचना प्रकाशित की जाएगी। नामांकन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 11 जून को है। मतदान यदि आवश्यक हुआ तो 24 जून को और 27 जून को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। वहीं राज्य में स्तरीय पंचायतों के लिए आम और उपचुनाव के लिए भी समय सारणी घोषित कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 4 जून को चुनाव की सूचना का प्रकाशन किया जाएगा। मतदान जरूरी होने पर 24 जून को मतदान केंद्रों में और 25 जून को तहसील मुख्यालय में वोट डाले जाएंगे। परिणामों की घोषणा 27 जून को होगी। राज्य में आज से ई वे बिल अनिवार्य हो गया है। किसी भी जिले में एक जगह से दूसरी जगह माल भेजने के लिए ई वे बिल रखना जरूरी होगा। इसके बिना माल भेजने पर ट्रांसपोर्टर पर जुर्माना लगाने के अलावा कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। व्यापारियों को इसकी जानकारी देने के लिए सेल टैक्स विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। गड़ियाबंद देवभोग मार्ग पर माओवादियों ने पेड़ गिराकर आवागमन को बाधित कर दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के अवरुद्ध होने से सड़क के दोनों ओर जाम लगा रहा। पुलिस बल ने आज सुबह जेसीबी के जरिए पेड़ को हटाने का कार्य शुरू किया। घटना के बाद इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर रायपुर में जारी नर्सों की हड़ताल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एस्मा लगाने के बाद आज ईदगाहभाटा धरनास्थल से करीब 1000 नर्सों को गिरफ्तार किए जाने की खबर है। इस दौरान पुलिस और हड़ताली नर्सों के बीच हल्की झूमाझटकी भी हुई। रेलवे ने अब प्रतीक्षा सूची में आरक्षित टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए दूसरा विकल्प चुनने की भी योजना बनाई है। इसके तहत रेलवे बोर्ड ने कैंसिलेशन फॉर्म में एक कॉलम जोड़ने के निर्देश दिए हैं, जिसमें वेटिंग यात्री दूसरी ट्रेन में सफर करने के लिए विकल्प भर सकेंगे। कोंडागांव जिले में 2 वाहनों से करीब 1 क्विंटल 85 किलो गांजा बरामद किया गया है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए है। इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान ये गांजा बरामद किया। और आइए अब बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में भी सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। आदिवासी बहुल इस जिले में ये योजना महिला स्वास्थ्य और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने की दिशा में काफी मददगार साबित हो रही है। पेश है इस पर एक रिपोर्ट। जो लोगों को धुएं से निकाल कर दे रहा है पर्यावरण संरक्षण का संदेश, और ये संभव हो पाया है केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से। एक दौर था जब देश के अधिकांश हिस्सों में महिलाएं चूल्हा फूंक कर धुएं के बीच घरों में खाना पकाती थीं, और इसी धुएं के चलते उनके और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। वहीं बहुमूल्य वन संपदा का भी दोहन हो रहा था। लेकिन अब देश के गांवों की तस्वीर बदल रही है। ये है बालोद जिले का आदिवासी बाहुल्य ग्राम पंचायत कापसी। इस पंचायत के हर घर में गैस कनेक्शन पहुंच चुका है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में काफी बदलाव नजर आ रहा है। गांव की महिलाएं अब गैस चूल्हे पर खाना पकाकर काफी राहत महसूस कर रही हैं। शासन हमारे लिए इतने अच्छी योजनाएं लागू की है और हमें इसका बहुत ही फायदा मिल रहा है। गैस में बहुत कम समय में खाना बन जाता है और हम उज्ज्वला गैस मिला है। गैस में खाना बनाते हैं तो परेशानी उठानी नहीं पड़ती, जल्दी हो जाती है। इस ग्राम पंचायत में न केवल उज्ज्वला योजना बल्कि ग्रामीण विकास की हर उस योजना का लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है, जिसका सपना केंद्र और राज्य सरकार ने 4 साल पहले मिलकर देखा था। यहाँ ग्राम सड़क योजना हो या स्वच्छता योजना, इस डिजिटल पंचायत को सभी सुविधाओं से विकास की एक नई राह मिली है। ये योजना बहुत बढ़िया है कि गांव में जितनी भी महिलाएं हैं जो लकड़ियों से खाना बना रही थी, वो अब सिलेंडर से खाना बना रही है, जिससे बहुत सारे समय और स्वास्थ्य पे अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। बालोद जिले के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है। लगभग 1300 कनेक्शंस हमारे 20 दिनों के अंदर समस्त ग्राम पंचायतों को अगर मिला दें तो हितग्राहियों को उनके SP इशू करा के कनेक्शंस इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। इस एक्सटेंडेड PMUY में हमारे जितने भी अंत्योदय राशन कार्ड वाले हितग्राही थे, जितने समस्त हमारे SC ST परिवार हैं। प्रधानमंत्री लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि गरीब और पिछड़े तबके की महिलाओं के उत्थान में उज्ज्वला योजना अहम भूमिका निभा रही है। बलोद से मोहम्मद फारूक के इनपुट के साथ सुनील तिवारी की रिपोर्ट, DD News रायपुर। और राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में कला प्रेमियों को अफ्रीका के लोक नृत्य देखने का मौका मिला। खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय में अफ्रीका महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें तंजानिया के ब्रिजोरा नृत्य मंडल ने सुकुमा जनजाति का लोक नृत्य प्रस्तुत किया।
और इस महोत्सव का आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से किया। इसका उद्देश्य भारत और दूसरे देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।